वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त अनीस, एसएससी जेईएन ऑल इंडिया रैंक 291 सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ मुझे इस बार। दोस्तों मैं अपने पोस्ट की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक जज्बा आ सके, एक जुनून आ सके कि अगर सामने वाला इंसान एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो बिगिनर्स के लिए करेंगे कि बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें, कैसे वो अपने आप को इस फील्ड में लाएं कि मुझे कॉम्पिटेटिव डायरेक्शन में उतरना है। सेमेस्टर से बाहर आकर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो अब जस्ट कॉलेज से पास आउट हैं या सेमेस्टर की में तैयारी कर रहे हैं, उनका अप्रोच अभी भी ये है कि हाँ मैं कैसे तैयारी करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या मेरी बिगिनिंग पॉइंट होनी चाहिए, कौन से बुक्स मैं फॉलो करूँ, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या मैं मॉक लगाऊँ, कैसे मॉक लगाऊँ, कितने घंटे पढ़ूँ, आज सबकी चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा। दोस्तों मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। जब मैं डिप्लोमा होल्डर था, जब मैं डिप्लोमा की तैयारी कर रहा था, उस समय बस मैं बेसिक चीज़ें पढ़ता था, कुछ ज़्यादा वास्ट चीज़ नहीं पढ़ता था। आपको भी मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि डिप्लोमा में जितना भी आप लोग को बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही थी या जा रही हैं, आप लोग पहले उन पर कमांड रखें अपना। अपने जितने भी सबसे बड़ा चीज़ होता है नेटवर्क में फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल, उसमें जितने भी लॉ हैं केवीएल केसीएल जितने भी लॉज वगैरह हैं, आप उन सब चीज़ को ना अपने मतलब उंगलियों में पिरो लीजिए। उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि बिना अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, कोर ब्रांच से हैं या कोई भी सिविल ब्रांच से ही है, मैकेनिकल से ही है, तो अगर आप बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं डेट मीन्स कि आप कंपटीशन लाइन में नहीं उतर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके जो बेसिक हैं उसे आप पहले फॉलो करें, उसको आप स्ट्रांग बनाएं। और अगर आप सेमेस्टर में तैयारी कर रहे हैं या सेमेस्टर से जस्ट पास आउट हुए हैं, तो दोस्तों आप एक दो रेफरेंस बुक रखें ऑब्जेक्टिव्स के, उसके बेसिस पे आप डेली क्वेश्चंस लगाएं, टेक्स्ट बुक का सीरीज लें, उस पर आप मॉक भी वहाँ लगाएं। वहाँ मॉक लगाने से आपको ये रफ आइडिया मिल जाएगा कि जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे जो अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं, वो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है कि नहीं। एक बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी सोच होती है, जो प्रॉब्लम आती है वो होती है उसके स्टार्ट की, कि स्टार्ट कहाँ से करें, किस टॉपिक से करें, किस सिलेबस से करें, किस बुक से करें, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनके लिए। तो आज उन्हीं पे सबसे बड़ी चर्चा छिड़ेगी यहाँ पे, बिगिनर्स हाउ टू स्टार्ट। तो बिगिनर्स आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि अपने अंदर एक जुनून लाइए, पागलपन लाइए कि मुझे करना है, और एक साल का, छह महीने का, एक साल का टारगेट रखिए कि मुझे एक साल में, मतलब कि 2023 चल रहा है ना, तो अगले आने वाले जो मतलब कि अभी दिवाली आने वाला है, तो कोशिश करना है कि दिवाली जो अक्टूबर में आने, नवंबर में आने वाला है, तो इस अगर अभी आप बिगिनर्स हैं तो अगला जो दिवाली है ना वो आपके जॉब के साथ भी थे। एक साल का टारगेट रखिए, छः महीने का टारगेट रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग वो टारगेट सेट करिए। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कब तक टारगेट सेट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो मतलब प्रैक्टिस होता है वो डिसाइड कर पाते हैं आप कि आपको कितना पढ़ना है, किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। वो एक माइंड सेटअप आपको करना बहुत जरूरी है, माइंड को पहले फ्रेश कीजिए। जो सेमेस्टर आप पढ़ाई कर रहे थे उसे आप साइड रख दें। सेमेस्टर में आप एक दिन पास पढ़ाई करके भी पास कर जाते हैं, डेफिनेटली आप बिलीव करिए, मैं सेमेस्टर में बस एक दिन लास्ट नाइट स्टडी करके मैं टॉप करने वाला लड़का, लास्ट नाइट सिर्फ एक दिन एक रात पढ़ के मैं टॉप करने वाला लड़का हूँ अपने कॉलेज का। तो कोशिश करें कि यार वो चीज़ें अब छोड़ दें। सेमेस्टर अलग थी और आपका कंपटीशन लाइन दोनों अलग है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कौन से बुक्स पढ़ें। दोस्तों आप जो सेमेस्टर में बुक्स पढ़ते आ रहे हैं अच्छी बुकें थी, लेकिन कंपटीशन के लिए बुक आपको थोड़ा चेंज करना होगा, थोड़ा क्वेश्चन बेस्ड कंपटीशन बेस्ड आपको पढ़ाई करनी होगी, वो भी तगड़ा कंपटीशन, क्योंकि आजकल जो सीट्स आती है ना, 5 सीट 4 सीट 3 सीट 1 सीट पे भी फाइट होता है। आरआर कैट का पेपर था, मैं पेपर देने गया था इंदौर में, 1 सीट पे मैं पेपर देने गया था। तो आपको कंपटीशन इस तरह के मिलेंगे कि आपको 1 सीट पे भी फाइट करना है। इलेक्ट्रिकल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वैकेंसी तो आती है लेकिन थोड़ा नंबर ऑफ सीट्स कम रहते हैं रिस्पेक्ट टू सिविल। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो रेफरेंस बुक्स, कहाँ से स्टार्ट करें। तो बुक्स में दोस्तों आप कोई भी रेफरेंस बुक आप देख लें जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जो आपके बेसिस पे है कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह में रिसेंट पैटर्न्स वगैरह पे पुख दिए हुए सवाल हैं इसमें। ये नहीं कि ओल्ड, मतलब कि अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस के क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आईएएस के क्वेश्चन आपको डील नहीं करने, अगर आप जेईई के कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आपको जेईई के लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। कोशिश करना है कि चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ जो क्वेश्चन होता है ना उसको आप अच्छे से मतलब चूज करें। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ सिलेबस, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिगिनर्स आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, बीके मेहता की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव करके,
इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव का बुक आती है, मैंने तो डेफिनेटली उस बुक को देखा तक नहीं है, रियलिटी है कि मैंने उस बुक को देखा तक नहीं है, लेकिन जब बच्चों के रिव्यू वगैरह आए मैंने उस बुक को देखा, मैंने अपने सेमेस्टर के दौरान उस बुक को नहीं देखा, लेकिन उस बुक को देखा, अच्छे है, उसमें PYQ जो दिए हुए हैं चाहे जो भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको बेस फाउंडेशन जो आपका होता है ना वो तैयार करने के लिए बहुत अच्छा बुक है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। फिर से आप जहाँ से मैं पढ़ाई किया हूँ, अगर आप चाहें, आप सजेस्ट मैं करता हूँ आपको कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंजीनियर्स अकेडमी की 6500+ बुक आती है MCQ की, इंजीनियर्स अकेडमी की 6500+ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, आप कोशिश करें वो बुक भी बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक, मैं उसी बुक को 3 से 4 बार बनाया हूँ। और कोशिश भी करें, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उससे भी बना सकते हैं। दोस्तों बुक और एक माध्यम, बुक एक माध्यम है लेकिन पढ़ना आपको खुद है, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है ना, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आप कोई भी बुक बनाएंगे आपसे बनेंगे सवाल, मेन मुद्दा जो है वो है सवाल बनाने का, और वो सवाल कैसे बने। सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पूरे थ्योरी जो आपको है उसको अच्छे से पढ़ना है, हर 7 दिन पे कोशिश करें कि जो आपके नोट्स है ना वो रिवीजन कर जाए। मैं पहले की भी वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं, चाहे पावर सिस्टम हो, मशीन्स हो, नेटवर्क एंड सर्किट हो, कंट्रोल सिस्टम्स हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिजिटल हो, फिर से उसके बाद फिर से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने चर्चा कर दी, मेजरमेंट हो, जितने भी आपके बुक है सिलेबस में है, टॉपिक्स हैं, थ्योरी हैं, उनके प्रॉपर नोट्स को आप रिविजन करें। रिविजन करने से ये होगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे वो कभी नहीं छूटने वाले, और कंपिटेटिव अप्रोच के साथ एनालिसिस करें उसका, हर दिन मॉक टेस्ट लगाएं, अभी से मॉक टेस्ट का शुरुआत कर दें, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, किसी का भी कर सकते हैं लेकिन मैं प्रीफर करूंगा टेस्ट बुक करें, टेस्ट बुक के कंपैरिजन में अभी कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं है कि जो मतलब टक्कर दे सके अभी के एग्जाम के पैटर्न को, एक अच्छा डेटा अच्छा एनालिसिस के साथ उसमें क्वेश्चन रहते हैं जो रिसेंट पैटर्न को फॉलो करता है, तो मैं भी करता था, आप भी कर सकते हैं, फिर आपके ऊपर है कि आप किसका लेना चाहते हैं आप देख लें। लेकिन बिगिनर्स अब समय आ गया है जब आपको अपने कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फाइट करना है, आपको सोचना एक भी चीज़ है कि आपके बैचमेट के साथ ही साथ आपके सीनियर से भी आपको फाइट करना है, फिर से उनके सीनियर के साथ भी आपको फाइट करना है, वही सेम एग्जाम में आपके सीनियर बैठेंगे, आपके सुपर सीनियर भी उसी एग्जाम में बैठेंगे, आपके जूनियर्स भी बैठेंगे, तो सोचिए कि आपका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। तो बिगिनर्स मैं यही कहूंगा कि आप अपने स्टडी को इस मैनर इस लेवल तक ले जाए जहां से आपको यह लगने लगे कि नहीं मैं उस कंपटीशन में अगर बैठूंगा ना तो सबको मैं एक अच्छा फाइट दे सकता हूं, फाइट क्या मैं एक रिजल्ट ला सकता हूं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, वो आएगा आपके प्रॉपर डेली रिवीजन से, नोट्स का डेली रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं टेस्ट सीरीज पे मॉक लगाएं, जो बुक्स मैंने प्रीफर किए वो बुक आप बनाएं। बहुत लोग कहते हैं JB गुप्ता वगैरह, तो JB गुप्ता अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, कोई बात नहीं, उससे आप उस बुक से सिर्फ एक ही चीज फायदा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चल जाएंगे क्वेश्चंस के, उसमें क्वेश्चन अगर आप जब भी लगाते भी हैं ना तो कोशिश करें कि उसमें सिर्फ JEE लेवल के क्वेश्चन लगाएं, IAS के क्वेश्चंस बिल्कुल टच ना करें, गेट के क्वेश्चन बिल्कुल टच ना करें, बिल्कुल भी टच ना करें, आपको सिर्फ JEE लेवल के क्वेश्चन उसमें अगर लगाने हैं तो उसमें लगाइए, लेकिन मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप उस बुक को ना ही लगाएं, अगर पढ़ना हो तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को आए उस कॉन्सेप्ट्स को आप देख लें, कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट उसके बहुत अच्छे दिए हुए हैं तो आप वहां से वो चीज देख सकते हैं। फिर बाकी आप यूथ के बुक लगाएं, BK मेहता का बुक लगाएं, अच्छे बुक्स हैं सब ऑब्जेक्टिव्स के, यहां से आपके फाउंडेशन अच्छे फाउंडेशन क्रिएट हो जाएंगे, आप बेसिक लेवल से ऊपर उठने लगेंगे, जब ये सब बुक आप बनाएंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, एक अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ आप पढ़ाई करने का तरीका बनाएं, कि आपको एक रूटीन प्रॉपर बनाना है कि आज मुझे साथ कौन सा दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रॉपर एक रूटीन बनाएं, हर दिन पढ़ें। देखिए दोस्तों कंटिन्यू रहिए आप लोग, कंटिन्यूटी सफलता का सबसे बड़ा राज है, मैं आज फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि एक दिन में कुछ नहीं होता है लेकिन डेफिनेटली एक दिन बहुत कुछ होता है, तो कोशिश करें कि उस एक दिन के लिए आपको हर दिन मेहनत करना है, हर दिन प्रॉपर पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ना है, अब भी से एक साल अपने आप को मतलब इधर उधर की चीज़ों में ना भटकाएं, डिबेट ना हो, हर दिन पढ़ाई करें इस कंसेप्ट के साथ करें कि मुझे अगले एक साल में जॉब ले लेना है, तो वो जो बुक बताया मैंने उस बुक को प्रॉपर बनाना है, हर दिन क्वेश्चंस लगाने हैं, हर दिन नोट्स पढ़ने हैं आपको, अपने जो नोट्स हैं वो पढ़ने हैं, थोड़ी नई चीज़ें भी देखनी है जो आजकल के क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं, नई चीज़ें मैनेजमेंट वगैरह हो गया, ऑडिट वगैरह हो गए, ऑडिट एनर्जी, तो टेंडर वगैरह आजकल के सवाल NHPC में टेंडर से भी सवाल थे, आप देख सकते हैं रिसेंट एग्जाम हुआ NHPC का उसमें टेंडर से सवाल थे, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें कि आज के जो रिसेंट पैटर्न्स है ना वो किस तरह के पैटर्न है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आयोग जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आप लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करके देगा कि किस तरह का क्वेश्चन आजकल आ रहा है। आप उस मेंटेलिटी के साथ ग्रो होइए कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है, रिसेंट में क्या पूछ रहा है। तो ये चीज आपके मॉक से आएंगे, मॉक टेस्ट से आएंगे, एनालिसिस करने से आएंगे। बिगिनर्स आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाएं, कोशिश करें कि आप लोग पूरी स्ट्रेटजी और पूरा एनालिसिस करें। एनालिसिस मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके मॉक में नहीं बनेंगे, लेकिन उसका एनालिसिस जब आप करेंगे ना, दोबारा लाइफ में आपसे वो क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं। तो बिगिनर्स यही स्ट्रेटजी है कि आप लोग डेली रहें, कंटिन्यू रहें, हर दिन मॉक टेस्ट लगाएं, हर दिन नोट्स रिविजन करें, पुस्तकें पढ़ें। पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो जरूर पढ़ें, रखे रहें पास में, नोट्स का प्रॉपर रिविजन करें, हर दिन क्वेश्चन लगाएं और नेगेटिविटी से दूर रहें। नेगेटिविटी से दूर रहें, कभी ये नहीं सोचना है कि बगल वाला क्या कर रहा है, अपने बारे में सिर्फ सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि बगल वाला क्या कर रहा है उसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। तो यही बेसिक स्ट्रेटजी जो है, जो आपको फॉलो करना है और हर दिन करना है। फिर आता है सबसे बड़ी बात कि अपने आप को खुद में एनालिसिस कैसे करें कि मेरे कितने स्कोर्स आ रहे हैं, वगैरह क्या रहे हैं। तो अगर आपको ये भी आता है कि हाँ, शुरू में टेस्ट मैंने लगाया और 200 के मार्क्स में मेरे 80 आए, 85 आए, बड़ी नहीं करना है आपको, टेंशन नहीं लेना इस चीज की। सबसे बड़ी बात होती है आप कंटिन्यू रहिए। अगर आपके आज 85 मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली शुरू में 85 मार्क्स आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे भी आए थे। लेकिन जैसे जैसे आप डेली कंटिन्यू रहेंगे, प्रॉपर नोट्स रिविजन करेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का, आपके स्कोर देखेंगे 90, 95, 100, 110, 120, 113, 114, 115 बढ़ने लगेंगे। तो वो चीज कंटिन्यूटी से आएगा, प्रॉपर नोट्स रिविजन से आएगा। मैं हर बार कहता हूँ कि नोट्स को आप अपनी इतनी दफा पढ़ लेना कि वो आपके लिए, मतलब ऐसा फील हो कि वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स है। और शॉर्ट नोट्स फॉलो ना करें, कोशिश करें आप कि आपका जो फुल नोट्स है उसी को आप शॉर्ट नोट्स में माइंड में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि दोस्तों मैंने भी कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, बहुत सारे लड़के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं क्विक रिविजन के लिए। तो यार मैं कहता हूँ कि अगर कोई लड़का 45 मिनट्स में शॉर्ट नोट्स रिविजन करता है और मैं 35 मिनट में मैं अपने फुल नोट्स को रिविजन कर जा रहा हूँ पूरा, तो यार क्या दिक्कत है, क्यों ना मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। और मुझे SSC JEE मेंस को टारगेट करना है, मेंस तक की सोच रखना है, तो फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप क्या मेंस अप्रोच कर पाएंगे? क्या आप ये सेंस रखते हैं कि शॉर्ट नोट्स से आप मेंस निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको एक अप्रोच रखना है, एक माइंडसेट रखना है कि मुझे SSC JEE मेंस भी देना है, सिर्फ प्री तक के लिए लिमिट नहीं रहना है आपको। यार प्री तक की हम क्यों सोचे, जब सोचना है तो मेंस तक की सोचेंगे ना, सिलेक्शन तक की सोचेंगे हम, और सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे भी होगा। मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात पता होना चाहिए। 300 नंबर का मेंस है SSC का, तो वो आप एक फुल नोट्स, एक जो मतलब कि लॉन्ग नोट्स है, जो आपका प्रॉपर नोट्स है, उसके थ्रू पढ़ाई करें। उसी को शॉर्ट नोट्स में इतनी दफा पढ़ें कि वो शॉर्ट नोट्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने लगे आपके। बस पेज को आप ऐसे से जब पलटें तो क्विक रिविजन स्टार्ट हो जाए। 20 से 30 बार 40 बार आप पढ़ जाएं उस नोट्स को, रट जाएं उस चीज को, समझ जाएं। और बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया, KVL, KCL, RMS फैक्टर, ये सब जो निकलना, बेसिक एनालिसिस, सर्किट डायग्राम, बेसिस वेब फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा रोल है, इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा रोल है, वाइटल रोल है। इसके बिना कोई भी चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हैं, पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, कोई भी चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल आना ही चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि आप फंडामेंटल बेसिक पे पूरा फोकस रहेंगे और हर दिन पढ़ाई करेंगे, यही स्ट्रेटजी है, यही फंडा है आपकी तैयारी का। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि मैंने एक अच्छे स्ट्रेटजी आप लोगों को डिलीवर किया है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्योरी के साथ। अगर फिर भी एक बात और, कि अगर आप लोगों को फिर भी कुछ क्योरी रह गए हों तो कमेंट में आप वहाँ पे कमेंट ड्रॉप जरूर कर दें, मैं रिप्लाई दूंगा, टाइम जैसे ही मुझे मिलेगा रिप्लाई करूंगा। अगर आपको फिर भी कुछ रह जाए, ज्यादा स्पेशल बात करनी हो, कुछ बड़ी बातें हो, हमारा टेलीग्राम है इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।